रणजी का जन्म समाज के सबसे ऊंचे वर्ग में हुआ, वहीं दूसरी ओर समाज के विभिन्न दर्जों और जातियों के क्रम में कहीं सबसे नीचे थे पालवंकर बलू, एक अछूत कहे जाने वाले के बेटे। जब रणजी इंग्लैंड में अपने क्रिकेट का हुनर दिखा रहे थे, बलू पूना में मजदूरी कर रहे थे। पूना क्लब में वो एक माली थे। अंग्रेज अफसरों के लिए क्रिकेट पिच को रोल करते थे, नेट्स बिगाड़ते थे। उस वक्त भारत में सबसे बड़े इंग्लिश क्रिकेटर थे जे जी ग्रेग। एक दिन ग्रेग ने बलू को उन्हें बॉल डालने को कहा। बलू की स्पिन देखकर ग्रेग चकित रह गए। ग्रेग उस दिन के बाद प्रैक्टिस के लिए बाकी टीम से एक घंटा पहले आने लगे और बलू की बॉलिंग पर प्रैक्टिस करते। बलू को 8 आने मिलते जब वो ग्रेग को आउट कर लेते थे। इस तरह से न केवल ग्रेग ने अपनी बैटिंग पक्की की बल्कि बलू की बॉलिंग में भी पैनापन आया। बलू की बॉलिंग आखिरकार ग्रेग की टीम के बाकी सदस्यों से छुप नहीं पाई और एक उभरते सितारे के रूप में उनकी पहचान हुई। पूना के हिंदूज अब यूरोपियंस को चैलेंज करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि बलू की बॉलिंग से हिंदूज की टीम जीत सकती है, पर टीम के ब्राह्मण खिलाड़ियों को बलू के साथ खेलने में बड़ा एतराज था। बालू जी वाज फ्रॉम वेरी हंबल बैकग्राउंड ऑब्वियसली, अनफॉर्चुनेटली इन दोज डेज ऑल दलित्स प्रीटी मच हैड अ हंबल बैकग्राउंड, बट ही वाज एन एक्सट्रीमली गिफ्टेड प्लेयर, बॉलर, a fairly decent batsman, but an outstanding bowler. People say that he may have been the best spinner the world had seen at that point. देश की सामाजिक व्यवस्था में काफी गहरा भेदभाव होने के बावजूद जीतने के लिए हिंदूज ने एक अछूत माली के बेटे को टीम में शामिल किया। लेकिन सामाजिक भेदभाव की परछाई मैदान पर भी दिखी, पर बालू के अंदर कुछ कर दिखाने की चाह थी। निडर निर्भीक होके वो बॉलिंग करते और टीम की जीत में पूरा योगदान देते। बलू विकेट पे विकेट लेते गए और अपनी स्पिन से सबको अचंभित कर दिया। मैदान के अंदर सभी खिलाड़ी एक ही गेंद छू सकते थे, लेकिन मैदान से निकलते ही छुआछूत जारी रहता। बाकी सब खिलाड़ी एक साथ बैठकर चाय पीते, खाना खाते, पर बलू उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते थे। उनके खाने पीने के बर्तन अलग थे और तो और मैदान में वापस जाने से पहले उन्हें खुद अपने झूठे बर्तन साफ जरूरी था। So, जितना टाइप का ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट उनपे थोप सकते हो उतना किया गया, लेकिन बलू की उमदा बॉलिंग के सामने किसी की न चली। उनका हुनर ही इतना आश्चर्यजनक था कि सामाजिक भेदभाव भी उनकी सफलता के रास्ते में नहीं आ पाया। यहाँ तक कि राजा महाराजाओं ने उनकी प्रशंसा की और अपनी टीम में उन्हें शामिल किया। 1901 में महाराजा नाटोर का जो टीम था वो शायद इंडिया में, वो बालू को लेके आके बंगाल में प्रोफेशनल क्रिकेट खिला दिया था। सो इट इज सोचिए 1906 में 1901 में एक दलित आदमी महाराजा के साथ बैठ के मैच खेल रहा है, इंडियन क्रिकेट खेल रहा है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। 1911 में महाराजा ऑफ पटियाला ने देश भर के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को एकत्रित किया और इंग्लैंड के एक दौरे पर ले गए। वहां उन्होंने 23 मैच खेले जिसमें 14 को फर्स्ट क्लास का दर्जा दिया गया। पालवंकर बलू इस टीम के मुख्य सदस्य थे और टीम के सबसे अच्छे बॉलर साबित हुए। टीम में सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी और सबसे योग्य खिलाड़ी होने के बावजूद उन्हें बार बार कप्तानी से नजरअंदाज किया गया। एक अछूत क्रिकेटर अपने साहस और कौशल से टीम में जगह तो बना सकता था, पर अपने से ऊंचे वर्ग के लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकता था। देर से ही सही, पर कुछ सालों बाद बदलाव जरूर आया। उनके तीन और भाई भी हिंदूज की टीम के लिए खेले और पालवंकर विट्ठल
जो बलू के छोटे भाई थे, उनको आखिरकार द हिंदूज का नेतृत्व करने का मौका मिला। हिंदूज का कैप्टन 1920s में एक दलित आदमी बन रहा है, आई थिंक इट इज रेवोल्यूशनरी। गांधी जी के पहले ये सब हो रहा है। गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के कॉज चैंपियन किए थे 1930s में, हरिजन मूवमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। उसके पहले क्रिकेट में आप कास्ट को चैलेंज कर रहे हो, कास्ट को ब्रेक डाउन कर रहे हो। पलवंकर विठल वाज कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ हाई कास्ट अपर कास्ट हिंदूज इन 1921-22। हाउ इज दैट फॉर सोशल मोबिलिटी? पीपल फ्रॉम बैकग्राउंड्स विदाउट प्रिविलेज वर यूजिंग देयर टैलेंट्स ऑन द क्रिकेट फील्ड to assert their equality to people with privilege. And that, to my mind, was a very significant sociological development. Balu, se aap Bharatiya samaj ka progress, Indian society ka progress, kaise middle class sports se cricket, aaj jo cricket bana hai, all of these people are for me founding heroes of Indian cricket.